वेलकम बैक गाइज। ट्रेकियोस्टमी जब तक है तब तक जो है इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है और जो म्यूकस है वो भी आता ही है। ऐसे में डॉक्टर वो नेबुलाइजेशन ज़रूर लिखते हैं और सिंपल पेशेंट जो होते हैं उनको मास्क से हम नेबुलाइज कर देते हैं, लेकिन जो ट्रेकियोस्टमी के पेशेंट होते हैं उनको नेबुलाइज कैसे करें ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और आज हम इस वीडियो में हिंदी में मैं आपको बताऊँगा कि जो ट्रेकियोस्टमी के पेशेंट हैं उनको नेबुलाइज कैसे करना होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स dive into it. तो गाइस सबसे पहले आपने सर्जिकल ग्लव्स पहनने हैं पूरी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को फॉलो करते हुए। और अगर आपको इस टेक्निक का नहीं पता तो आप मुझे बताएं, हम इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो गाइस आप ग्लव्स पहने सबसे पहले, उसके बाद ये हमारा नेबुलाइजर है और ये मेडिसिन कप है जो इसकी ट्यूबिंग है, इसे हम नेबुलाइजर के साथ अटैच कर लेते हैं। और जो मेडिसिन कप है गाइस इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, खोलने पर ये कॉन्टैमिनेट हो जाता है। आपने अगर धोना हो, इसे वॉश करना हो तभी खोलें इसे। और जो मेडिसिन है यहाँ से लोड करें तो आपको टी पीस की ज़रूरत होगी। देखिए कुछ इस तरह का ये आपको मिलेगा, पूरी किट होती है नेबुलाइजर टी पीस किट के नाम से आता है। ये देखिए टी पीस है और इसे खोल के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए कुछ आपको इस तरह का टी पीस मिलेगा। तो ये हमारा टी पीस है और आपको दो टी पीस चाहिए होंगे। अगर आपका पेशेंट सिंपल है, नॉर्मल पेशेंट है, ट्रेकियोस्टमी का ही है, तो हम इसमें मेडिसिन लोड कर लेते हैं। मेडिसिन आप ड्यूलिन, बूडेकोट, लिवोलिन, फ्लोहिल, कोई भी मेडिसिन हो आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिवोलिन ले रहे हैं। लोड करने के बाद आपने टी पीस को लगाना है, एक साइड ट्रेकियोस्टमी लगेगी और दूसरी साइड ओपन रहेगा। और इसे चला के भी देख लेते हैं, देखिए ये रेडी है। तो एक बार फिर हैंड को आप स्टेरलाइज करें। तो गाइज एक साइड आप बाईपैप सीपैप वेंटिलेटर लगा सकते हैं और जो ये दूसरी साइड है यहाँ पर आप डायरेक्ट नेबुलाइजर को लगाएं। और क्योंकि ये पेशेंट सिंपल पेशेंट है ट्रेकियोस्टमी का ही, इसलिए इसको कंफर्ट देने के लिए मैं दूसरा टी पीस यूज़ करूँगा। देखिए कुछ इस तरह का। ओके गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।